हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन। और आज हम आपको बताएंगे आप कैसे 100 रुपये का रिचार्ज अपने फ़ोन में यानी कि किसी भी सिम में कैसे कर सकते हैं फ्री में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे रिचार्ज के ऑप्शन बताए थे यानी कि ट्रिक्स बताए थे जिससे आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसी वजह से आपसे क्वेश्चन छोटी सी और सिंपल सी कि आप कैसे, क्या पहले, इससे पहले कभी भी आपने सिम में फ्री में रिचार्ज किए हैं? इसी तरह की ट्रिक्स के द्वारा या किसी भी तरीके से फ्री में अगर रिसर्च किए हैं तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा हम जो फ्री के ट्रिक्स डालते हैं आप उसे यूज़ करते हैं कि नहीं। तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके लिखना। और हमारे चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की ट्रिक्स की जानकारी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि अगर वीडियो के अंदर चले जाओ तो उस वक्त लाइक करने में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, मतलब प्रॉब्लम जो है आ सकती है। तो हम नहीं चाहते कि वीडियो के देखते समय आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ अभी जो है लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको भी पता है, तो प्लीज़ स्किप मत करना। और उससे पहले जो लोग है वो थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि लोगों के ऊपर कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, तो प्लीज़ उसको देख लेना। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे मोबी क्विक का जो ऐप है उसमें। अगर आपके पास मोबी क्विक का ऐप नहीं है तो ऐप ले ले। और इससे पहले हमने बहुत सारे कूपन की एक राज बताए थे, तो उसी के दौरान ये भी काम करेगा। तो ये हमारा मोबी क्विक का ऐप। और इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिया था, इससे पहले वो वीडियो आप देखेंगे तो फुल्ली इस तरीके की वीडियो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही हम हमारा मोबी क्विक का ऐप खुल गया तो हमें क्या करना है, रिचार्ज करना है। तो इसी वजह से हमें हमारा रिचार्ज का मोबाइल पे चले जाते हैं, और मोबाइल पे जाने के बाद यहाँ हमारा नंबर डालना पड़ेगा। और आज मैं जो मैं बताने वाला हूँ वो जियो में शायद ही सपोर्ट करें, बट मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ अदरवाइज एयरटेल वोडाफोन आइडिया ये सिम नंबर पे वर्क करेगा, क्योंकि इसका और एक मेथड है। अगर जियो नंबर पे अगर रिचार्ज करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट पे जाके लिखिए और मुझे बताइए कि हाँ भाई जियो में कैसे रिचार्ज करते हैं, तो वो मैं भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई वोडा नंबर चूज़ कर लेते हैं, वोडा या एयरटेल जियो जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे चूज़ कर। तो यहाँ पे मैंने हमारा रुकिए ये हमारा एक नंबर दे दिया और प्रीपेड में किया है तो पोस्टपेड में कर लेते हैं। पोस्टपेड में करने के बाद यहाँ पे हमारा सिलेक्शन कर लेते हैं, हमारा है वोडाफोन का तो मैं वोडाफोन से कर लिया, और हम हैं वेस्ट बंगाल से तो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आ गया तो, और अब हमें सिलेक्ट करना हमारा अमाउंट यानी कि बैलेंस। तो आप अपनी बैलेंस चूज़ करें और उसके बाद ये कोड डालना पड़ेगा, ठीक है, कोड डालना पड़ेगा और उसका अमाउंट आपको कैशबैक में मिल जाएगा, ठीक है, आपके बैंक में। तो मैं हमारा जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, तब तक आप भी अपना अमाउंट चूज़ कर ले थोड़ी। तो मैंने हमारा 129 रुपये का यहाँ पे डाल दिया और अप्लाई कूपन, रुके मैं धीरे से दिखा देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कूपन यूज़ सरप्राइज लिख के कोड आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना जो कोड है वो पेस्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लिखा होगा यू विल गेट 100 सरप्राइज गिफ्ट्स, ठीक है, तो ऐसा आपको लिख के आएगा। तो ये आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आप पूछेंगे भाई ये कोड कैसे मिला, तो भाई मैं एक बात बता दूँ, इस तरह की कोड आपको अगर लेना है तो मेरा जो पहले वीडियो था ये आई वाले बटन पे मिल जाएगा,
या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो चेक करना पड़ेगा। कैसे, हमारा जो नेम प्लेट है वीडियो का उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा एन इम्पोर्टेंट लिंक, ऐसा करके कुछ लिखा होगा। वहाँ पे एक लिंक दिए जाएंगे, उसका कलर होगा ब्लू कलर की, उसको आपको क्लिक करना है और वो वीडियो देखना है। वहाँ से आप बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से कुछ भी अमाउंट आप डाल के जो है अपना रिचार्ज कर सकते हैं। और 399 रुपये का जी रिचार्ज, ये बहुत सारे जो है वो रिचार्ज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ये रिचार्ज है ये हम सक्सेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारा UPI देना पड़ेगा तो हम दे देते हैं, यहाँ मेरा पेटीएम से दे देते हैं तो आसानी होगी। और ये मैंने हमारा दे दिया, पिन भी दे दिया। पिन देने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है रिचार्ज के लिए। और 129 रुपये का ये मेरा पेमेंट जो है वो काट चुका है। और यहाँ पे रिचार्ज देखते हैं क्या होता है, स्क्रॉल हो रहा है मतलब कंफर्मिंग के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं थोड़ा और ये, हाँ आ गया, आप रुकने की कोई बात नहीं। सेविंग नो मोर पे क्लिक करते हैं। अभी तो नहीं ये सब देना है आपको, ठीक है अभी नहीं। यहाँ पे लिख रहा है कि आपका जो रिचार्ज है वो कंप्लीट हो चुका है और राइट का बटन का पेमेंट भी आ चुका है। और यहाँ पे कह रहा है आपका जो सरप्राइज कूपन है वो 48 आवर्स के अंदर आपका बैंक में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसा कहा था कि पहले कि आपको जो है लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, इस वजह से मैंने थोड़ी दिन लेट ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं आपको लाइव प्रूफ जैसा कि बताया था वैसा ही दिखाऊंगा। तो फाइनली मेरे को जो है कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन मिल चुका था, बट मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ आपका सरप्राइज जो कैसे वो कहाँ पे बैंक पे जाके आता है, मतलब कहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आपको जो है यहाँ पे आपका जो बैलेंस दिखाया ना 6 रुपये, ये आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा 6 रुपये है। इसके कुछ कंडीशंस हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया और क्लिक करते हुए यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा सरप्राइज कैच X100 रुपये, ये मेरा 115 रुपये है सरप्राइज कैच में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 150 रुपये है। तो इसको आपको ट्रांजेक्शन हर महीने करना पड़ेगा और इसके लिए स्टेटमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। और इसका एक कंडीशन है सरप्राइज कैश का कि सरप्राइज कैश हर मंथ एक बार आपको स्क्रैच कार्ड दिया जाता है, उस स्क्रैच कार्ड को आप स्क्रैच करके अपना जो अमाउंट है वो बैंक पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई मतलब डिफॉल्ट नहीं है कि आपका एक कॉइन्स का एक और मतलब एक सरप्राइज कैश का एक नहीं कुछ हाफ मतलब 50, ऐसा कुछ नहीं है। एक सरप्राइज कैच का 1 रुपये ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो अगला वाला स्क्रैच कार्ड है वो अगले मंथ सितंबर में मिलने वाला है क्योंकि मैं इस बार स्क्रैच कार्ड कर चुका हूँ और वो जो आप देख रहे थे 6 रुपये वो इसी में से आया है। तो इसमें से मैंने थोड़ा रिचार्ज शायद किया था, यहाँ पे 25 का 10 मिला है इसी वजह से। और यहाँ पे मैं आपको हिस्टोरी भी दिखा देता हूँ इसका, और इसका स्टोरी आप देख सकते हैं पे 10 रुपये गया है और 25 प्लस 150 मतलब मेरा जो 6 रुपये है वो वहीं से गया है। तो आप देख लिया कि ये लाइव प्रूफ वर्क करती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। यहाँ पे ऐसा ही लिखा है और कुछ नहीं, यहाँ पे मेल भी आ गया मोबीक्विक की तरफ से। तो यही थे आज के वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अगर किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हो तो प्लीज़ करके जाना। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम ऐसे ही अर्निंग के से रिलेटिव वीडियो डालते रहेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।